जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नीट 2021 ऑनलाइन फॉर्म के आपके स्कूल कोड के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है कि हम कौन सा कोड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड के अंदर फिलअप करें ताकि हमसे कोई भी मिस्टेक न हो। तो अब मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरी जानकारी आपके लिए इस बारे में इकट्ठा कर ली है ताकि मैं भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ और आपको एग्जैक्ट कोड आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता सकूं, वो भी सरल शब्दों में, जिससे कि आप उसको एक बार सुनने के बाद ही अपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड के अंदर रियल कोड को डाल सके। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है अगर आप ये चाहते हैं कि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि यहां पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपने गलत कोड भर दिया तो ऐसे में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और इसमें फीस भी काफी ज्यादा है, तो आपका फीस का अमाउंट भी वेस्ट चला जाएगा। अब चलिए ज्यादा देर ना करते हुए बात करते हैं इसके बारे में कि कहां पर आपको कौन सा कोड भरना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी है, जिसके ऊपर आपका काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिला। और इसी वीडियो के ऊपर काफ़ी सारे ऐसे कमेंट आए कि सर हमें बताइए कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैं कौन सा कोड यहाँ पर फिलअप करूँ। कुछ को मैंने यहाँ पर बताया भी है, बट जब मुझे लगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए मैंने आपके लिए इस वीडियो को बनाने की सोची ताकि आप यहाँ से इस वीडियो को देख करके राइट कोड को फिलअप कर सके। अगर आप फॉर्म भरना चाहते तो आप इसी वीडियो को देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फोटो कैसा अपलोड करना है इसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर जानकारी क्लैरिफिकेशन के साथ दे दूंगा, जिनका डाउट है कि फोटो के ऊपर डेट और आपका नाम जरूरी है या फिर नहीं है, तो ये सब जानकारी आपको यहीं पर दे दी जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड के बारे में। तो ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि मैंने फिलअप किया है। यहां पर मैं इसको अभी मैंने फीस जमा नहीं की है, तो आपको दोबारा से इसको एडिट करके दिखाता हूं। आपके यहां पर कितने कोड है पहले आप देख लीजिए। आपके इसमें 7 कोड दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर कौन से कोड के अंदर क्या चीज़ आती है, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी जा रही है जो कि इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि एग्जैक्टली हमारी क्वालिफिकेशन ये है तो हम क्या फिल करें। इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपके कोड फर्स्ट के बारे में। अब ये कोड फर्स्ट बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग 2021 के अंदर अपनी जो ट्वेल्थ है उसको कंप्लीट कर रहे हो, यानी कि अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, आने वाला है, तो आपको पहले तो पास स्टेटस के अंदर अपियरिंग चूज करना है। और यहाँ पर दोस्तों तभी आप जो आपका कोड है वो एक देख पाओगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैंने पास स्टेटस सेलेक्ट किया कि मैंने ट्वेल्थ पास कर ली है, इसलिए यहाँ पर कोड फर्स्ट है ही नहीं, क्योंकि कोड फर्स्ट उन्हीं के लिए है जो कि अभी अपियरिंग है, जो कि 2021 के अंदर अपनी ट्वेल्थ कंप्लीट करेंगे। इसमें एक एलिजिबिलिटी ये भी है कि जैसे कि आप यहाँ पर कोड फर्स्ट का इस्तेमाल कर रहे हो कि हाँ आपका रिजल्ट 2021 के अंदर आएगा, 2021 के अंदर आपको मालूम होगा कि आप पास हुए हो या फिर फेल हुए हो, ऐसे में आप कोड फर्स्ट का इस्तेमाल तो कर सकते हैं। बट यहाँ पर दोस्तों अगर आप जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसमें अगर फेल हो जाते हैं तो फिर आपको आगे जो आपका एक अगला राउंड है उसमें आपको लिया नहीं जाएगा, भले ही आप इसमें नीट में अपने एग्जाम को क्लियर कर पाते हो। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप 2021 के अंदर अपनी 12वीं कर रहे हो, आपका रिजल्ट आना बाकी है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से कर रहे हो, चाहे किसी भी तरह का आपका बोर्ड है, चाहे आपने उसके बाद कुछ भी किया या नहीं किया है, तो आपको कोड फर्स्ट ही सिलेक्ट करना होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आपके कोड टू की तरफ। तो यहां पर दोस्तों अब मैं आपको कोड टू के बारे में बहुत ही सिंपल वे में बताता हूं कि किन कैंडिडेट को कोड टू को सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने आपकी ट्वेल्थ कंप्लीट कर ली है सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड से, और आपने जो आपकी ट्वेल्थ कंप्लीट की है उसके बाद अभी तक किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है, यानी कि आप कुछ भी आगे नहीं कर रहे हो, भले ही आपने आपकी जो 12वीं है वो 2019 या फिर 2018 के अंदर पास कर ली थी और उसके बाद से आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन नहीं लिया, तो ऐसे में आपको कोड टू सिलेक्ट करना है। और ये भी दोस्तों तब जब आपने आपकी ट्वेल्थ सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड से की है। जिनके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर हमने जो हमारी ट्वेल्थ है वो हमने पास कर ली है, बट हमने किसी कोर्स के अंदर एडमिशन भी लिया है और हमने जो हमारी ट्वेल्थ है वो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से ना होकर के हमारा जो स्टेट बोर्ड है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी बोर्ड है उससे की है, तो ऐसे में हम कौन सा कोड फिलअप करें। तो अभी तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि अगर आपने ट्वेल्थ पास कर ली है, चाहे वो 2018 में की थी, 2019
में की थी, और उसके बाद आपने किसी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया, और जो आपकी ट्वेल्थ है वो आपने सीबीएसई बोर्ड या आईएससी बोर्ड से की है, तो आपको कोड 2 सिलेक्ट करना है। और जो कैंडिडेट 12वीं पास कर चुके हैं स्टेट बोर्ड से, उनको यहाँ पर जो कोड 3 है वो सिलेक्ट करना होगा। जी हाँ, उनको कोड 3 सिलेक्ट करना है और उनको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान लीजिए आपने किसी स्टेट बोर्ड से आपकी ट्वेल्थ की है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर कोड 3 सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कोड 4 के बारे में कि कोड 4 कौन से कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। तो आप ये भी अच्छे से समझ लीजिए, मान लीजिए आपने आपकी 12वीं पास कर ली है और वो आपने 12वीं पीसीबी से की है। जी हाँ, वो जो आपकी 12वीं है वो पीसीबी से होनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों आपने आपकी मेडिकल में जाने की तैयारी की, बट आपका जो मेडिकल है वो क्लियर नहीं कर पाए, यानी कि मेडिकल जो एग्जाम होते हैं वो आप क्लियर नहीं कर पाए। उसके बाद आपने BU MS में एडमिशन ले लिया, या फिर फार्मेसी कर ली, या फिर फार्मेसी कर रहे हो, तो ऐसे में आपको यहां पर कोड 4 सिलेक्ट करना है। जी हां, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि जिन कैंडिडेट ने 12वीं पास की है पीसीबी से और उसके बाद उन्होंने मेडिकल की प्रिपरेशन की है और वो उसको क्लियर नहीं कर पाए, फिर उन्होंने कोई सोचा कि मैं एग्रीकल्चर में चला जाता हूं या फिर BU MS में जाता हूं या मैं फार्मेसी करता हूं, ऐसे में जो कैंडिडेट इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो उन कैंडिडेट को यहां पर कोड 4 सिलेक्ट करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं और कौन से कैटेगरी कैंडिडेट को कोड 4 को सिलेक्ट करना है। आपने 12वीं कर ली है पीसीबी से और आप किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि फार्मेसी, एग्रीकल्चर या फिर BU MS, तो ऐसे में आपको कोड 4 सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं कोड नंबर 5 के बारे में कि कौन से कैंडिडेट को कोड नंबर 5 सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों उन कैंडिडेट को कोड नंबर 5 सिलेक्ट करना है जिन्होंने 12वीं कर ली है और वो अपनी जो एग्ज़ाम है नीट का उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसी बीच में उन्होंने सोचा कि चलिए हम अपना ईयर क्यों वेस्ट करें, हम कोई और क्वालिफिकेशन भी तब तक कर लेते हैं, और उन्होंने ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन ले लिया, जिसमें कि आपका BSc ऑनर्स हो सकता है जो कि आपके सब्जेक्ट के साथ में होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है, यानी कि अगर आपने जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं इन सब्जेक्ट से कर रहे हैं तभी आप यहां पर इस कोड को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो कि आपके पास होने चाहिए। और ये जो आपकी ग्रेजुएशन है इसमें आपने आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया हो और आप सेकंड ईयर के अंदर हो, ऐसे में आप यहां पर कोड 5 सिलेक्ट करेंगे। जी हां, आई होप आपको सही से समझ आ गया होगा, आपने अपनी 12वीं कर ली है और आपने ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन ले लिया है, और ये जो आपने एडमिशन लिया है वो आपने इन सब्जेक्ट के साथ में लिया है जो कि सब्जेक्ट यहां पर मेंशन किए गए हैं, और इसमें यहां पर जो इंग्लिश है उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। बेसिकली अगर आपने इन सब्जेक्ट से अपनी ग्रेजुएशन की है या फिर आप कर रहे हैं, बेसिकली की है का तो पॉइंट सामने आएगा, बट अभी अगर आप कर रहे हैं तो आपको कोड नंबर 5 सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर जो आपको कोड नंबर 6 है, कोड नंबर 6 के बारे में हम आते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के लिए है जिनके मन में अभी सवाल आ रहा है कि सर हमारी जो BSc है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं या फिर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ, जो आपका कोड नंबर 5 है इसमें तो था कि आपने अभी आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट नहीं की है, आप कर रहे हो, बट कोड नंबर 6 उनके लिए है जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जैसे कि BSc यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन करके रखी है, उन्होंने कंप्लीट कर ली है इनमें से किसी सब्जेक्ट के साथ में, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, कोड नंबर 5 उनके लिए है जो कि अभी आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और कोड नंबर 6 उनके लिए है जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है यानी कि पास आउट कर ली है, उनको कोड नंबर 6 सिलेक्ट करना होगा। कोड नंबर 5 उनको जिन्होंने अभी पास आउट नहीं किया है और वो फर्स्ट या फिर सेकंड ईयर के अंतर्गत है। तो आई होप आपको यहाँ पर कोड नंबर 5 और 6 भी क्लियर हो गया है। अगर इसके बारे में कोई डाउट है तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, वैसे मुझे लगता नहीं है कि अब भी आपको इसमें कुछ डाउट लाने की आवश्यकता है, सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि अगर आपने 2020 में अपने फ़ोटो को लिया है तो वो प्रॉब्लम कर देगा, इसलिए आपका जो फ़ोटो के ऊपर डेट है वो डेट आपका 1/1/2021 से पहले होना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपका जो फ़ोटो है वो बिना कैप और गूगल के होना चाहिए, और उसमें आपको नीचे की तरफ आपकी जो डेट है यानी कि किस डेट में आपने इस फ़ोटो को लिया है वो डेट भी लिखनी है, और डेट आपकी 1/1/2021 से पहले की होनी चाहिए। यहाँ पर आपको इसमें अपना नेम भी लिखना होगा, आपको अपना नेम लिखना है और किस डेट में आपने फ़ोटो को लिया है वो आपको इसके ऊपर लिख देना है। आई होप यहाँ पर आपको आपके फ़ोटो के बारे में भी जानकारी मिल चुकी है। तो ये थे दोस्तों आपकी NTA नीट 2021 ऑनलाइन फॉर्म, स्कूल कोड के बारे में एंड फोटो के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।